हेलो गाइस, राइट सो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसपीएफ के बारे में। एसपीएफ इज सर्वर पॉलिसी फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर्वर पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो बेसिकली व्हाट इट इज, जब आप मेल सेंड करना चाहते हो, तो एक तरीके से एक मेल ऑथेंटिकेशन एक तरीके से प्रोसेस है। एक तरीके से मेल ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे कि मेल आपकी है, मतलब आपकी ही मेल है, उससे तो दो तीन आते हैं मेल ऑथेंटिकेशन करने में। एक होता है एसपीएफ, देन डीकेआईएम, और एक होता है डीमार्क, डोमेन की आइडेंटिफिकेशन एंड डोमेन मार्कअप। तो ठीक है, तो ये था, बट इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे एसपीएफ और इसके बारे में। आज बात करते हैं एसपीएफ के बारे में, डीकेआईएम और डीमार्क के बारे में। आज एसपीएफ के बारे में बात करते हैं। तो एसपीएफ होता है एक फ्रेम, ये जो है ये ईमेल ऑथेंटिकेशन टेक्निक है, जो स्पैम मतलब कोई और आपकी डोमेन से मेल ना भेजे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, मान लीजिए मैं एक स्पैमर हूँ, तो मैं एक मेल बना दी मैंने google.com, भी बन जाती है, सिंपल है। बट क्या मैं इनकी इससे मेल भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि ये डोमेन मेरा है ही नहीं, ये google.com। तो ये जो एसपीएफ है, ये बस आपको ये वेरीफाई करता है कि भाई बस हमें बता दो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कि भाई ये डोमेन मेरा है। अगर डोमेन आपका है तो आप इसे जितनी मर्जी मेल भेजिए, जहाँ मर्जी मेल भेजिए, बट मैं गोल्ड इससे नहीं भेज सकता। क्योंकि क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि मेरे पास इसका डीएनएस रिकॉर्ड नहीं है, मैं इसका डीएनएस रिकॉर्ड एडिट नहीं कर सकता गूगल का, इस वजह से नहीं भेज सकता। बट अगर ये आपका है डोमेन, तो आप इसका डीएनएस एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि भाई ये डोमेन मेरा है और मैं इससे मेल भेज रहा हूँ, तो मतलब मैं भेज रहा हूँ इससे मेल। तो यही है सिंपल, विच इज टू प्रिवेंट स्पैमर्स फ्रॉम सेंडिंग मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ योर डोमेन। आपके डोमेन से कोई और दूसरा बंदा मैसेज भेजता, आप भेज सकते हो, मतलब आप जिसको चाहो वो भेज सकते हैं, बट कोई दूसरा बंदा जैसे कि गूगल से मैं नहीं भेज सकता, जब तक गूगल ही मेरे को ना दे देगा, गूगल क्यों देगा मेरे को, ठीक है। तो विद एसपीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन ये पब्लिश कर सकता है कि भाई ये मेरा मेल सर्वर है, मैं इसे मेल भेज रहा हूँ। ऐसे डीमार्क होते हैं और भी होते हैं, बट सिंपल एक तरीके से ईमेल ऑथेंटिकेशन है। अब ये आपको एज एन ईमेल सेंडर, ये आपको एबिलिटी देता है कि आपके मेल सर्वर, जो आप मेल बनाते हैं, जब आप मार्केटिंग करते हो, आप एक सर्वर बनाते हैं अपना, क्योंकि गूगल जीमेल ये जो सर जब जान के सर्वर हैं, ये सारे एक लिमिटेड मेल सेंड करना अलाउ करते हैं पर डे या पर आवर में। तो इसके लिए एक सर्वर बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आपके पास आपने सेटअप नहीं करा है एसपीएफ या डीकेएम, तो आपके मेल या तो स्पैम में जाएंगे या डिलीवरी नहीं होगी। तो ये एक इशू है जिसको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये था बेसिकली, अब क्या करना है आपको। अब जैसे अगर आप जाएंगे, जैसे मैंने मेरे पास होस्टिंगर किया है, तो जैसे मैं अगर होस्टिंगर में जाऊंगा, तो डीएनएस सेटिंग में जैसे मैं जाऊंगा, तो मेरे को दिख जाएगा कि मेरे पास एमएक्स रिकॉर्ड्स होते हैं। ये मेल जब आपको आ रही है उसके काम करते हैं, तो डिलीवरी में इसका कोई हाथ नहीं होता, बट एसपीएफ कह सकते हो। तो एसपीएफ में रिकॉर्ड्स होते हैं आपके, तो आपको इधर बेसिकली एक रिकॉर्ड ऐड करना है। आप रिकॉर्ड भी दो तरीके के आप कह सकते हैं, जैसे एक है आपका, आप डोमेन का, डोमेन सर्वर मेल भेज रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, वी इक्वल टू एस पी एफ वन, ये कॉमन है। उसके बाद इंक्लूड ये है अंडरस्कोर एसपीएफ डॉट मेल डॉट होस्टिंगर डॉट कॉम। ये जो मेल डॉट होस्टिंगर डॉट कॉम है, ये होस्टिंगर का सर्वर है, मेल सर्वर। तो आपने बोला है कि होस्टिंगर डॉट कॉम मेल भेज सकता है इससे, ठीक है। तो एसपीएफ डॉट मेल डॉट होस्टिंगर डॉट कॉम, ये जो ये एसएमटीपी सर्वर है, ये भेज सकते हैं। और इसका मतलब, अच्छा अभी इधर पे ये जो है इनका मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगर ये नहीं है तो कोई नहीं है, फिर इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक तरीके का मतलब तीन तरीके की होते हैं, एक होता है पास, ऑल पास। अगर आपने ये लगा रखा है, ये वाला जैसे इधर पे ये लगाया, तो इसका मतलब अगर ये नहीं है, अगर मेल इस वाली एसएमटीपी से नहीं आया है, तो उनको सॉफ्ट फेल कर दो, मेल डिलीवर कर दो, मतलब ये होता है बेसिकली। और ये होता है कि फेल कर दो अगर इससे नहीं है। जैसे अगर मैं किसी को ये लगा दूंगा, तो अगर ये मेल डॉट होस्टिंग डॉट कॉम से मेल नहीं आया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चेक करेगा, नहीं आया, तो उसको फेल कर देना, मतलब आपके पास मेल डिलीवरी नहीं होगा, या तो डायरेक्ट स्पैम में ही चले जाएगा, या फिर डिलीवरी नहीं होगा। प्लस मतलब सबको पास कर दो, मतलब इससे आया है, किसी से भी आया है, तो ये तो नॉट रिकमेंडेड है कि आप सबको नहीं दे सकते एक्सेस, मतलब फिर आपकी डोमेन रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी और ये सब। तो ये वाला पार्ट मुश्किल कर सकते हैं, बट बेसिकली सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं, कभी आप भूल गए और आपकी डोमेन रेपुटेशन ख़राब ना हो, इसके लिए आप तो इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर और फेल, ये दोनों हैं मेन्स, ठीक है। तो ये है आपके एसएमटीपी सर्वर। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ये वाला डेटा इधर से उठने, डीएनएस सेटिंग में आप कहाँ जाएंगे, अपने डीएनएस नेम सर्वर पे जाएंगे, उस पर आपको इधर पे सिलेक्ट करना है टेक्स्ट रिकॉर्ड टीएक्सटी, और उसमें टेक्स्ट वैल्यू में इसको
पुट कर देना है, जो भी आपका इधर पे एसएमटीपी सर्वर है उसको उसकी जगह mail.hostinger.com की जगह उसकी जगह वो डाल देंगे। एंड देन आप कर देंगे ऐड रिकॉर्ड और फिर आपका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा डीएनएस सर्टिफिकेट सक्सेसफुली। और इसको आप चेक कर सकते हैं अपने एसपीएफ में जा करके, हाँ इधर पर वेरीफाइड डीएनएस करेंगे तो आपको दिख जाएगा इधर पर कि हाँ आ गया, तो इधर पर आपको दिख जाएगा कि एक और जो हमने अभी डाला वो ये रहा आ गया ही है इस टाइप से। ओके सो ठीक है, तो एक तो ये हो गया एसएमटीपी सर्वर से, जैसे mail.hostinger.com और भी जो भी है mail.gmail.com, gmail.com, smtp.gmail.com ये जो भी है वो सर्वर। उसके अलावा अगर आपके पास कोई आईपी एड्रेस है उसको ऐड करना है तो सेम v=spf1 वैसे ही रहेगा, IP4 आईपी मतलब आईपी एड्रेस, उसके बाद जो भी आपका आईपी एड्रेस है जैसे इधर पे 25181 ये भी इधर पे जो भी आपका एड्रेस किया जाएगा वन देन ऑल। तो आप सेम इसी को सेम टू सेम सिलेक्ट करेंगे, सेम अपने नेम सर्वर में जाएंगे, सेम उधर पे टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करेंगे, उसके बाद पॉइंट्स टू दिस आप इसमें डाल देंगे एंड देन ऐड रिकॉर्ड, सेम ऐड सक्सेसफुली। सेम आप इधर पे जाएंगे तो आपको एक और दिख जाएगा, सेम आपने ऐड कर दिया बट अच्छा, तो जैसे आपने इधर पे ऐड कर दिया बट ये अराउंड दिखा रहा है आपको कि एक दो मिनट लेगा, बट बेसिकली ये अराउंड 24 आवर्स लेगा, 24 आवर्स मतलब मैक्सिमम 24 आवर्स, उससे पहले हो जाता है 6-7 घंटे, उसमें आपको मतलब परफेक्टली दिख जाएगा। अब आप ये देख भी सकते हैं एमएस लुकअप में कि आपका किस डोमेन को पॉइंट कर रहा है, किस डोमेन से आप मेल ले सकते हैं या समथिंग लाइक दैट ना। तो जैसे मैं इधर जाता हूँ vishwajit.com एमएस लुकअप करता हूँ, ठीक है तो मैं इधर पे सिलेक्ट करूँगा एसपीएफ रिकॉर्ड लुकअप, देन एसपीएफ रिकॉर्ड क्लिक करूँगा तो मेरे पास इधर आ जाएगा कि किन डोमेन को पॉइंट कर रहा है ये। जैसे इसमें काफ़ी और बेस अगर जो आपका डोमेन यूज़ में नहीं है तो आप उसको हटा दें, तो ये मतलब एक तरीके से मतलब ज़रूरी है उसको हटा दें जो भी आपके यूज़ में नहीं आया है एसपीएफ रिकॉर्ड में ना। तो बेसिकली आप उसको जो भी आपके